तो भाई आप यही टैटू क्यों बना रहे हो? मैं काफी टाइम से सर बाबा दीप सिंह का पोर्ट्रेट बनवाने का सोच रहा था और आपसे बनवाने का मौका मिला तो मैंने सोचा बाबा दीप सिंह का टैटू। इसलिए ऐसी बंद कर दी गाइस, मत को वाली दर्द हो ना हो, सर्दी जुकाम जरूर होता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज जयप्रकाश श्रीवास्तव। स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग और आज का ब्लॉग होने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। आज का टैटू जो है वो है बाबा दीप सिंह जी का टैटू। तो आप देख सकते हैं पूरा कस्टमाइज डिजाइन है, पीछे अकाल तख्त का टेंपल है और पोर्ट्रेट टैटू भी है, नीचे खंडा है और पंजाबी में भी हमने कुछ कोटेशन लिखा है मीनिंगफुल। और ये टैटू बना रहा हूँ मैं अपने स्टूडेंट पाजी को। तो पाजी हमारे पास पंजाब से आए हैं टैटू सीखने के लिए, उनका कोर्स चल रहा है अभी, उसे गिफ्ट है क्योंकि पाजी का बर्थडे आने वाला है। तो हमने सोचा क्यों ना पाजी को एक टैटू बना दे। आप यही टैटू क्यों बना रहे हो? काफी टाइम से सर बाबा दीप सिंह का पोर्ट्रेट बनवाने का सोच रहा था और आपसे बनवाने का मौका मिला तो मैंने सोचा बाबा दीप सिंह का टैटू। बहुत टाइम से इनका टैटू का प्लान था बट पाजी ने फाइनली यही डिजाइन फाइनल किया और आज हम बनाने वाले हैं पाजी के बाइसेप पर टैटू। पाजी का डोला शोला बहुत दमदार, अरे और ये डोले शोले पे आज एक दमदार सा टैटू बनेगा। टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, हम लोग को हो सकता है रात भी हो जाए। फिलहाल एक आलसी आ गया है जो कि बिल्कुल काम मांग कुछ कर नहीं रहा है, तो अभी फिलहाल ये भी सेटअप वगैरह रेडी कर दे तो हम मैं करता हूँ अपना टैटू स्टार्ट। बाजी बैठोगे ना लास्ट तक, स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो पाजी का टैटू तो स्टार्ट कर चुके हैं, अभी तक तो ठीक ठाक है। पाजी आगे देखते हैं क्या होता है, बस आगे भी ऐसे ही रहना है भाई, आगे भी ऐसे ही रहना है बस। आज शुरू में सही लगता है गाइस, शुरू में अच्छा मतलब स्लो दर्द होता है, फिर आगे जाते जाते पेन बढ़ता जाता है। अभी तो ठीक हाँ, तो हे परमात्मा अपने साथ ही है गाइस, कंटिन्यू बने। कंटिन्यू चल रहे हैं टैटू। यहाँ पे पाजी का टैटू हाफ हो चुका है, 50% हो चुका है, पेन भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया और कंटिन्यू करूंगा मैं मैम का टैटू। माफ कीजिएगा ये ठीक नहीं हो रहा है सर, आप गलत कर रहे हैं सर, देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप गलत कर रहे हैं। एक छोटा सा टैटू है जो की मोपर को ओम का टैटू है। यहाँ पे वन मोर टैटू है जो बना रही है टेरो सर को, और यहाँ पे बच्चे लोग जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं काम। तो आज वर्कलोड थोड़ा ज्यादा है, तो फिलहाल मैं मैम का टैटू कम्प्लीट करता हूँ फिर पाजी का टैटू करेंगे। पाजी ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक है। कंटिन्यू टैटू है, पाजी को पेन हो रहा था तो उनको ब्रेक दिया। को पाजी अब पेन कैसा है? बढ़िया टेरो मैम कर रही हैं। सर को सर अपना पेन कैसा है? अच्छा अच्छा, एक और टैटू जो कि सर बना रहे हैं मैम को। मैम अपना नाम क्या है? रुपेश्वरी जी। मैम कहाँ से हैं आप? हिमाचल से आए हैं। हाँ। भाई अपना यहाँ पे कंसल्टिंग कर रहा है सर को, सर कवर अप करवाने के लिए आए। सर बनवा रहा है महाराणा प्रताप जी का टैटू ना सर? टैटू चले थे, अभी थोड़ा वर्कलोड हुआ है कम। यहाँ पे सर का टैटू हो गया है फाइनली कंप्लीट जो बनाया था टेरो ने। कैसा लगा सर टैटू? वेरी नाइस, हैप्पी है ना सर? सर का टैटू फाइनली हो गया है कंप्लीट। यहाँ पे एक टैटू था जो मैम का मोरपंख का टैटू, सो आप देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट बहुत ही प्यारा सा है। कैसा रहा मैम टैटू? हैप्पी है ना आप? इतनी खुशी। मैम ने कुछ बोला, बहुत कम बोलती है वो। यहाँ पे अक्की भाई अब नया सेटअप लगाएगा क्योंकि अभी एक और क्लाइंट है जिनके अपॉइंटमेंट। आज ही का टैटू करता हूँ फिर एक टैटू करूंगा, तो आज का दिन ऐसे ही निकल जाएगा।
फिलहाल अभी कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ खाएंगे पियेंगे और कंटिन्यू करेंगे काम। जस्ट अभी फ्री हुआ पापा सर, फ्री होते के साथ पापा टैटू में लग गए, पाजी को भी पेन हो रहा था, उनको भी थोड़ा रेस्ट मिल गया था। इसके बाद एक और टैटू है, उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट है, वो भी सर को ही करना है। अरे कहना क्या चाहते हो? डिजाइन निकालो अपने लिए। अपने लिए क्या निकाल रहा? डिजाइन कौन सी? अरे वो क्या उसको छापने के लिए। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। ऐसी हम लोग का लंच अब हुआ है, दिन में हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, वर्क में बहुत ज्यादा था, सभी बच्चों ने साथ में मिलके लंच कर लिया, तो अभी खाना खा लिया और अब कंटिन्यू लग गए हम काम में। तो अभी एक अपॉइंटमेंट भी है, तो फिलहाल हो सकता है मुझे एक छोटा ब्रेक फिर लेना पड़े, तो फिलहाल तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, देखते हैं थोड़े टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, बट रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। हमारे पाजी बस साथ दें, थोड़ी देर की और बात है। चल रहा है टैटू और अभी एक छोटा सा लिया है मैंने ब्रेक, क्योंकि आज पूरा दिन जो है वर्कलोड में निकल गया और फिलहाल मैं बना रहा हूँ अपने सर को एक टैटू। और सर आए काफी लंबा ट्रैवल करके। सर कहाँ से हैं आप? रायपुर से। रायपुर छत्तीसगढ़ से आए सर एक टैटू बनाने के। क्या नाम है सर आपका? सुभाष साहू। सुभाष साहू नाम है सर का। और क्या करते हैं सर आप? फोटोग्राफर। वीरे बैठे हुए हैं, उनको हो रही है थोड़ी सी तकलीफ, बट कंटिन्यू चल रहा है टैटू। तो भाई का टैटू तो वर्क इन प्रोग्रेस पे है, बस थोड़ा सा काम बचा हुआ है। राणा यहाँ पे कुछ ना कुछ करने में लगा है। तो गाइस फाइनली हो गया कंप्लीट हमारे सर का टैटू। तो सर ने बनाया महाराणा प्रताप जी का टैटू, बहुत ही प्यारा लग रहा है। सर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है, हैप्पी है ना सर अब? तो सर का टैटू हो गया फाइनली कंप्लीट और अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने पाजी का टैटू, क्योंकि पाजी दिन भर से वेट कर रहे हैं। तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला। की लाइट मैनेजमेंट देख रहा है, मेंटेन कर रहा है ताकि मैं गोरा दिखूं। मुझे काला क्यों बनाया? गोरा बनाती तो तुम मेला हो जाता बेटा। लाइन में आओ ना। अच्छा, वापस आ गया। ये देखो गाइस, ये देखो फाइनली वो टैटू कंप्लीट हो चुका है और वापस हम पाजी का टैटू स्टार्ट कर चुके हैं। पाजी को दर्द हो रहा है, पाजी बोल नहीं रहा है को। पाजी नहीं, दर्द तो भाई होता ही है, मस्त को दर्द होता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। को भी दिल होता है यार। नहीं नहीं पाजी होता है जी, होता है, ऐसे ना डरो, तुम्हारा भाई आपकी इसलिए ऐसी बंद कर दी। गाइस मर्द को भले दर्द हो ना हो, सर्दी जुकाम जरूर होता है, तो पाजी होने लगा था, हमने बंद कर दी। छोटा सा ब्रेक लिया था, अब कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा काम। तो अब टैटू बचा है सिर्फ लास्ट का वर्क है, वाइट का पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। रात के बज रहे हैं अभी, 12:30 हो चुका है, 1 बजने वाला है। फिलहाल हमें घर भी जाना है, तो फिलहाल ये वाइट का काम खत्म करता हूँ, उसके बाद रेस्ट करेंगे क्योंकि कल भी एक बड़ी अपॉइंटमेंट है, फिर जाएंगे घर। पाजी बस थोड़ी देर। बिल्कुल फाइनली कंप्लीट हो गया हमारे पाजी का टैटू। सो आपने देखा बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बट बहुत ही डिटेल वर्क था और बहुत ही अच्छा लुक आया इस टैटू का। तो हम लोग रात में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और सभी लोग थक गए थे, तो हम लोग यहाँ से सीधे घर चले गए, तो ब्लॉग एंड नहीं कर पाए। तो अभी हम लोगों ने टैटू का फाइनल शूट लिया और मैं कर रहा हूँ ब्लॉग को यहाँ पे एंड। आ जाओ सभी लोग, आ जाओ फटाफट, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और पाजी ने बहुत अच्छे से साथ दिया, बहुत ही प्यारा सा टैटू है। तो अगर टैटू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आज का टैटू कैसा लगा।